नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2022। मैं अपनी रिंग लाइट लेने जा रही हूँ। ये रिक्शा पकड़ ली है सुभाष LFP मेट्रो स्टेशन पर। हम उतर जाएंगे, वहाँ से पिंक लाइन के लिए पकड़ेंगे, रजौरी गार्डन उतर जाएंगे। रजौरी गार्डन से फिर हम सुभाष नगर उतर जाएंगे, मेट्रो स्टेशन नंबर 3। तो ये 27 जनवरी को दी थी मैंने, ठीक होने पार्ट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था जिस कारण ख़राब हो गई थी रिंग लाइट। मैंने आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो मेट्रो स्टेशन सुभाष नगर के मेट्रो स्टेशन नंबर 3 को उतर के आगे की तरफ हीरो होंडा का शोरूम है, तो वहाँ पर हम चलते जाएंगे। उससे आगे फिर एक बैंक है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर ही ये मतलब होल सेल का इनका वो है। देखो ये उत्कर्ष स्मार्ट फाइनेंस बैंक, और यहाँ पर हमने दी थी अपनी रिंग लाइट। और अंदर का मैं सीन कुछ नहीं दिखा रही हूँ, ये मैं रिंग लाइट लेकर आ गई हूँ। मतलब बीच का पोर्शन मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया था उनके वहाँ पर। और ये हम अब फिर अपने घर की तरफ जा रहे हैं रिंग लाइट लेकर, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों घर में तो मैं ले आई इसको, वैसे ले तो मैं 12 बजे 12:30 बजे के करीब ले आई थी। उसके बाद खाना वाना खाया, भूख लग रही थी बड़ी तेज मुझे। बाहर से जैसे मैं घर में आती हूँ ना, तो मुझे बस जोरों की भूख लगी रहती है और कुछ नहीं लगा रहता। बस फटाफट पहले मैंने जवे बनाए, जवे पता है ना क्या होते हैं, पता होगा, जवे बनाए, उनको खाया, चाय बनाई। बिना चाय का तो ज़िंदगी बेकार है अपनी, चलती नहीं है गाड़ी। इतनी चाय की आदत है, जैसे ड्रग्स लेने वालों को ड्रग्स की आदत होती है, ऐसी मुझे चाय की आदत है। तो ये हम ले आए ठीक करा के अपनी रिंग लाइट, अपनी टोलीफो की रिंग लाइट। चला के तो उन्होंने दिखा दी थी कि भाई वो फूक गया था हमारा बोर्ड जो यहाँ पर लगा रहता ना, वो तो मैंने लास्ट उसमें आपको बता दिया था, यहाँ पर लगा रहता है, फूक गया था वो। ये इसके कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर जो देखते हैं वो फूक गया था। तो चलो देखते हैं फिर अब क्या हो रहा है इसमें, कितने दिन चलेगी ये भी देखते हैं। चलो जला के दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने टाइट करके अच्छी तरह अंदर को लगा दिया, पर ये पिन इन्होंने चेंज नहीं करी, जो इसके अंदर के पिन है वो मैंने वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया। मुझे वहाँ पर ध्यान देना चाहिए था कि उन्होंने पिन चेंज करी या नहीं करी। बतुन्नी हूँ ना, बातें करने में लग गए थे और बाकी सामान देखने लग गए थे, पैसा कम कराने में लग गए थे। तो फिर हम लगाएंगे प्लग और ऑन करेंगे, और फिर है हमारा ये 99 पर ऐसे चली आई है एकदम मस्त। चलो चल तो गई। इसके साथ ब्लूटूथ वगैरह भी है इसको चलाने के लिए, 2 इसके साथ माउंट मिले हैं, वे जो फ़ोन को स्टैंड करने के होते हैं वे। वैसे भी वे बता रहे थे कि ये टोलीफो के तो जैसे 5500 की विद स्टैंड है ये, लेकिन यदि आप डिजिटेक के लेना चाहते हो तो 2500 रुपये की भी मिल जाएगी वहाँ पे 19 इंच। आप देख सकते हो यदि किसी को लेनी है तो, मैं एड्रेस तो दे दूँगी, देखना है तो देख लेना वहाँ पे जाकर। और ये तो मैंने खैर ऑनलाइन ही मंगाया था, ये अमेजोन से डिजिटेक का स्टैंड, पर वो सही नहीं निकली थी मेरी रिंग लाइट, तो मैंने बदल दी थी। फिर मैंने टोलीफो के ली थी वहाँ जाकर, तो इसमें वार्म लाइट का भी है, ये जैसे वाइट है वार्म भी हो जाएगी यहाँ से दबाने पर। ये तो आपने देख लिया होगा, मैंने डेमो दिया था इस तरह से करके ऐसे। तो इसमें ये वाला जल गया है, अब क्या कहते हैं ये येलो वाला, अब इसको करते रहो करते रहो करते रहो, तो ये येलो लाइट आ गई इसमें। इसमें मोबाइल में साफ नहीं दिख रही है, ये येलो लाइट है, पर इसमें वाइट ही दिख रही है अब भी, पर येलो है ये। तो इस तरह से इसमें येलो लाइट भी है, पर इसकी वो कम है, क्या कहना चाहिए, 55 पर आ रही है शायद येलो।
तो येलो लाइट की तो जरूरत नहीं, हमें व्हाइट की है, तो आप देख लीजिए मैंने करा ली है ठीक, अभी तो फिलहाल ठीक हो गई है। पैसे भी लग गए हैं इसमें, 1000 रुपये लग गए हैं, 1500 की जगह 1000, मतलब वारंटी पीरियड में थी, अभी 6 महीने हुए थे खरीदे हुए, 1 साल की वारंटी है, फिर भी लग गए। चलो देखते हैं अब कितने दिन चलती है, आपको पता चले जाएगा। चलिए तो यार ब्लॉग मैं अब ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय। तो ये जल गया था इसका बोर्ड, उसकी पिक है ये।